हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हेयर मास्क कैसे बनाते हो। सॉरी, मैं पूरे बहुत ही बिखरे गए हैं। मैं बहुत बेस्ट हेयर मास्क बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप ये हेयर मास्क बना ले सकते हो। चलिए वीडियो को चेक करते हैं ऑन द वीडियो। गाइस, ये हेयर मास्क बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बनाना। बनाना मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल लिया है एंड कर्ड भी इसके अंदर डाल लिया है और इसे अच्छी तरह स्मैश कर लिया है मैंने अच्छी तरह। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हो पर मैंने स्मैश किया इसे। उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है ऑलिवेरा जेल। ऑलिवेरा जेल अच्छी तरह आप इसके अंदर डाल लीजिए, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। देन इसके अंदर डालिए नींबू, नींबू का जूस। आप एक नींबू का जूस डालिए, इससे आपकी डैंड्रफ जो भी है वो निकाल देगा एंड कर्ड आपके हेयर्स को कंडीशन भी करेगा डीपली। इसके अंदर अच्छी तरह नींबू निचोड़ दीजिए, फिर इसके अंदर डालिए एक एग। इसके अंदर का पूरा हिस्सा डाल दीजिए, ओनली व्हाइट ही नहीं येलो भी डाल लीजिए। आप दो अंडे डाल लीजिए, फिर इसके अंदर आप कोई भी मनपसंद का हेयर ऑयल डाल सकते हो जिससे ये हेयर ऑयल अच्छी तरह कंडीशनर हो जाएंगे। या मैं यहाँ पर पतंजलि का आंवला हेयर ऑयल डाल रही हूँ। देन इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। पहले इन दोनों एग्स को अच्छी तरह फेंट लीजिए, देन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए। अब अपना हेयर मास्क रेडी है, अब इसे आप लगा सकते हो। अब इसे मैं कैसे लगाते हैं वो दिखा रही हूँ। अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह रूट टू टिप अच्छी तरह इसे लगा लीजिए इस तरह। एक सेक्शन लेके इस अच्छी तरह लगा लीजिए। अच्छी तरह आप पूरे आपके हेयर्स के लिए लगा लीजिए। गाइस, मैंने हेयर मास्क लगा लिया है एंड ये एक आधी घंटे तक अच्छी तरह सूखने तक इसे लगा लीजिए। एक घंटा मिनिमम लगेगा एंड इसे आप एक शैम्पू के मदद से वॉशअप कर ले सकते हो। अगर आपको शैम्पू एक अच्छा सा ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करिए, मेरा नाइल एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं आज यूज़ करूँगी। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा नाइल एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में रिव्यू नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे टॉप 3 शैम्पू करने जाइए एंड देख लीजिए। एक आधे घंटे तक अच्छी तरह इसे लगा लीजिए। हाय गाइस, मैंने मेरे हेयर्स को वॉश कर लिया है अभी। मैंने जस्ट ब्लो ड्राई किया है, नथिंग लाइक कुछ और कुछ भी नहीं लगाया हेयर केयर प्रोडक्ट्स। कंडीशन भी मैंने नहीं लगाया था, जस्ट मैंने नाइल का शैम्पू यूज़ करा था एंड दिस इज़ द रिजल्ट। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने हेयर ड्रायर से ब्लो ड्राई किया है। बहुत ही हेयर्स सॉफ्ट हो गए हैं, हेयर्स बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं एंड मुझे थोड़ा सा इची स्कैल्प भी था वो भी चले गया है एंड सॉफ्ट बहुत अच्छी तरह हो चुका है एंड ऑयल जैसा कि एग का बांस भी रहता है वो भी नहीं है। पर ध्यान रखिए गाइस कि आप आपके हेयर्स गर्म पानी से नहीं वॉश किए, अदरवाइज आपके हेयर में ऑमलेट बन जाएगा एग क्योंकि हमने हेयर मास्क में एग डाला है। एग से क्या होता है कि व्हेन वी वॉश, जब अपन गर्म पानी से इसे घिसते हैं वॉश करते हैं तब वो ऑमलेट बन जा रहा है। ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम मुझे भी हुआ था। दिस इज वॉज माई विडियो। गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।